नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे सेट 5 ऑफ वोकैबुलरी नाइट टू गेट इट राइट के वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले हम हमारे सेट 4 के वर्ड्स को रिवाइज करेंगे। तो सेट 4 का हमारा पहला वर्ड था एम्बिग्यूस, जिसका मतलब था कोई भी चीज़ जो कंफ्यूज कर देती है, अस्पष्ट होती है, द्विअर्थी होती है या अनेकार्थिक होती है, उसे हम एम्बिग्यूस कहते हैं। हमारा सेकेंड वर्ड था एम्बिशियस, जिसका मतलब होता है उमंगी रहना, जैसे कि आप सभी लोग आईएएस बनना चाहते हैं, इसीलिए आप आईएएस बनने के लिए एम्बिशियस है। हमारा थर्ड वर्ड था अबेट, जिसे मैंने बोला था अबे से याद रखना है। जब भी हम अबे बोलते हैं, मतलब हम किसी को रोकना चाहते हैं, किसी को स्लो करना चाहते हैं, तो वही अबेट का मतलब होता है कि किसी को रोकना, किसी को स्लो कर देना। हमारा फोर्थ वर्ड था एडेप्ट, जिसे मैंने बोला था अडेप्ट से मिक्स नहीं करना है। अडेप्ट मतलब होता है अनुरूप बनाना, लेकिन एडेप्ट मतलब होता है कुशल बनना, निपुण बनना। और हमारा कल का लास्ट वर्ड था एपेक्स, जो कि होता है शिखर पे कोई जो चीज़ होती है, जो शीर्ष होती है, सबसे सबसे ऊंची होती है, उसे हम एपेक्स कहते हैं। इसी के साथ हम हमारे आज के नए 5 शब्दों की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है डिसमिल, जो कि एक एडजेक्टिव है, जिसका मीनिंग है कॉजिंग अ मूड ऑफ ग्लूम और डिप्रेशन, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो हमारे मूड को डिप्रेस्ड कर देती है, जो हमें सैड कर देती है, जो हमें उदास कर देती है। जब हम बहुत ज़्यादा अप्रसन्न फील करते हैं, मतलब कि हम डिसमिल फील करते हैं। अब आपको इसे याद रखना है बिस्मिल से। आप सभी को पता होगा बिस्मिल हम तब यूज़ करते हैं जब भी हम भगवान को याद करने की कोशिश करते हैं। जब भी हम भगवान को याद करते हैं तो हमें क्या होता है, हमें खुशी फील होती है, हमें हर चीज़ अच्छी फील होती है, हमें प्रसन्न लगता है। और उसी का ऑपोजिट है डिसमिल, जब हमें अप्रसन्न लगता है। तो इसी से आपको बिस्मिल से डिसमिल याद रखना है। इसका हिंदी में मतलब होता है निराशाजनक। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अरविंद जी ने कहा डीमोनेटाइजेशन वॉज अ डिसमिल फेलियर, यानी अरविंद जी क्या कहना चाहते हैं, अरविंद जी ये कहना चाहते हैं कि डीमोनेटाइजेशन जो था वो बहुत ही शोकयुक्त निराशाजनक फेलियर था, जिससे कोई भी प्रसन्न नहीं हुआ था। तो इस पर अरुण जेटली जी का कहना है क्यों, आपने सारे पैसे कन्वर्ट करा लिए क्या? अब भाई ये इन दोनों के आपस का मामला है, हम अपने आगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सेकेंड वर्ड है कॉग्निजन, जो कि फिर से एक एडजेक्टिव है, जिसका मीनिंग होता है हैविंग नॉलेज और अवेयरनेस, मतलब जब आप बहुत ज्ञानपूर्ण होते हैं, आप अच्छी तरह से सूचित होते हैं, आप अवगत होते हैं हर चीज़ से, आपको हर चीज़ का नॉलेज होता है, आपको हर चीज़ की जानकारी होती है, मतलब कि आप कॉग्निजेंट हैं। इसका हिंदी में मतलब होता है जानकार होना, और इसके सिनोनिम भी है, जैसे कि आपने देखा अवेयर होना, कॉन्शियस होना, अप्राइज्ड होना, अब्रेस्ट होना और सेंसिबल होना। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अरविंद जी ने कहा आई एम कॉग्निजेंट ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो अरविंद जी क्या कहना चाह रहे हैं, अरविंद जी ये कह रहे हैं कि भाई मुझे मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता है, मुझे सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की जानकारी है, मैं अवगत हूँ कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मेरी जनता की ओर। तो उस पे कुमार विश्वास जी कह रहे हैं कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। आज का हमारा थर्ड वर्ड है कॉन्टोर, जो कि एक नाउन है, एक संज्ञा है, जिसका मीनिंग है एन आउटलाइन रिप्रेजेंटिंग और बाउंडिंग द शेप और फॉर्म ऑफ समथिंग, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो किसी पर्टिकुलर चीज़ का आउटलाइन होता है, यानी कि रूपरेखा होता है कोई भी शेप का या किसी भी चीज़ का, उसे हम कॉन्टोर कहते हैं। यानी कि सपोज़ आप ब्लूप्रिंट ले लीजिए, ब्लूप्रिंट क्या होता है, ब्लूप्रिंट एक सारांश होता है, एक आउटलाइन होता है, एक हम अगर कुछ भी डिसाइड करने जाते हैं, हम अगर उसका ब्लूप्रिंट लेते हैं, यानी हम सारांश बना रहे हैं हमें कैसे कैसे आगे बढ़ना है, हम एक आउटलाइन बना रहे हैं कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, हमारी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, उसी को हम कॉन्टोर कहते हैं। इसका हिंदी में मीनिंग होता है आकृति, जैसे कि मैंने कहा रूपरेखा, सारांश। अब इसका एक सिनोनिम ऐसा है जो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, जिसे हम प्रोनाउंस करते हैं सेलुएट। इसे सिल होटे ऐसा कुछ भी प्रोनाउंस नहीं करना है, ये सेलुएट होता है, जिसका मतलब होता है कि जब भी आप स्केच बनाते हैं, किसी चीज़ का छाया चित्र बनाते हैं, यानी कि सेलुएट। तो वही कॉन्टोर का भी मीनिंग होता है, जब आप किसी चीज़ का ब्लूप्रिंट बनाते हैं, छाया चित्र बनाते हैं, उसे ही हम कॉन्टोर कहते हैं। इसे बेटर वे में हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अरविंद जी ने कहा आई विल कॉन्टोर द डेवलपमेंट ऑफ दिल्ली इन 2 वीक्स, मतलब अरविंद जी क्या कह रहे हैं, अरविंद जी कह रहे हैं कि दिल्ली को किस तरह डेवलप करना है, इसका मैं सारा प्लान, इसका मैं सारा ब्लूप्रिंट, इसकी मैं सारी रूपरेखा 2 हफ्तों में आपको बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे, जो कि है प्रेशियस। आप में से काफ़ी लोगों को इस वर्ड का मीनिंग पता होगा, बट जिन लोगों को नहीं पता है वो जान ले कि इसका ये भी एक
पहले की वर्ड्स की तरह एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है ऑफ ग्रेट वैल्यू, यानी कि कोई भी अनमोल चीज़ जो आपको बहुत ही प्रिय होती है, जिसका कोई मूल्य नहीं होता, जो बहुमूल्य होती है, उसे ही आप प्रेशियस कहते हैं। जैसे कि हमारे माँ बाप, हमारे माँ बाप हमारे लिए बहुत ही प्रेशियस है, हमारे लिए बहुत ही कीमती है, उनका हम किसी भी चीज़ के साथ मूल्य नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ के साथ उनके प्यार को हम तोल नहीं सकते हैं, यानी कि वो हमारे लिए प्रेशियस है। हिंदी में इसका मीनिंग होता है कीमती। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। अरविंद जी कह रहे हैं, माय दिल्ली इज़ प्रेशियस टू मी, मतलब जो दिल्ली राज्य है वो अरविंद जी के लिए बहुत ही खास है, बहुत ही प्रिय है, दिल्ली से बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं है, दिल्ली उनके लिए बहुमूल्य है, अनमोल है। तो उस पर दीदी जी को थोड़ा बुरा लग गया और दीदी जी कह रही हैं, ये मुझसे प्यार नहीं करते। बच्ची, ये दीदी जी और अरविंद जी का पर्सनल मैटर है। हम हमारे लास्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का लास्ट वर्ड है पेनेंस, जो कि एक नाउन है, एक संज्ञा है, बिल्कुल कॉन्टोर की तरह, जिसका मीनिंग होता है पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड ऑन वन सेल्फ एज एन आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ रेपेंटेंस फॉर रॉन्ग डूइंग। अब रेपेंटेंस का मतलब क्या होता है? रेपेंटेंस का मतलब होता है पछतावा, यानी जब भी आप खुद को पनिश करते हैं क्योंकि आप किसी गिल्ट में आते हैं, आप किसी पछतावे में आते हैं अपनी कोई गलत करने की वजह से, उसी का मतलब होता है पेनेंस। अब इसे आपको याद कैसे रखना है? आपको इसे याद रखना है पेनल्टी से। हमें पेनल्टी कब लगती है? जब भी हम कोई चीज़ गलत करते हैं। जब हम कोई चीज़ गलत करते हैं तो हमें बहुत गिल्ट आता है, हमें बहुत पछतावा होता है, हमें बहुत बुरा फील होता है, तो उसी से पेनल्टी से ही आपको पेनेंस वर्ड याद रखना है, जिसका मीनिंग होता है जब आप खुद को पनिश करते हैं, आप बहुत ज़्यादा पछतावे में चले जाते हैं, आप खुद को बहुत बुरा फील करने लगते हैं, बहुत गिल्टी फील करते हैं जब भी आप कोई गलत चीज़ करते हैं, उसी को हम पेनेंस कहते हैं। अब इसका हिंदी में मीनिंग होता है तपस्या। यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना है, मैंने कहा है कि जब भी आप बहुत पछतावा होता है, जब भी आप कुछ बहुत बुरा कर देते हो और आपको बहुत गिल्ट आता है, उसे पेनेंस कहते हैं, और इसीलिए हिंदी में उसका मीनिंग है तपस्या। इसे अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अरविंद जी कह रहे हैं, मोदी जी हैज़ टू डू पब्लिक पेनेंस फॉर रॉन्ग वर्ड्स, मतलब अरविंद जी के अकॉर्डिंग मोदी जी को जो भी उन्होंने रॉन्ग शब्दों का, गलत शब्दों का उपयोग किया है, उसके लिए पब्लिक पेनेंस करना चाहिए, यानी कि पब्लिकली खुद को सजा देनी चाहिए, पब्लिकली तपस्या करनी चाहिए, ताकि वो पश्चाताप कर सके अपने गलत शब्दों के प्रयोग के लिए। उस पर हमारी दीदी जी कह रही है, ये दिन भर मोदी मोदी करते। अब फिर से ये उनका पर्सनल मैटर है, हमें इस पे ध्यान नहीं देना है, हमें अपनी UPSC की पढ़ाई करनी है। हम कल फिर से मिलेंगे 5 नए शब्दों के साथ। इसी तरह द मयूर मोगरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको आज का वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हमारे कल के वीडियो में। नमस्ते।